झुंझुनू जिले में कोरोना वायरस के लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। झुंझुनू के राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभकरण सिंह कॉलेज ने तमाम व्यवस्थाएं चाकचौबंद कर ली। उन्होंने बताया कि फिलहाल झुंझुनू के राजकीय खेतान अस्पताल में 11 वेंटिलेटर मौजूद हैं। इसके अलावा 65 बेड तैयार कर लिए गए हैं और 65 बेड पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी रातों रात तैयार करवा ली गई है। उन्होंने बताया कि 11 बेड जिस पर वेंटिलेटर लगेंगे वह पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा भी और वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए हैं। अपने अस्पताल को दो विभागों में डिवाइड कर दिया, एमसीएच विंग और पीडियाट्रिक एनएसआईयू को छोड़ के वो अपने रेगुलर सेवाएं देते रहेंगे। बाकी अस्पताल को अपने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास 65 बेड ऐसे हैं जिनमें अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। हमने पूरे पांचों वार्डों में ऑक्सीजन की पाइपलाइन बेड टू बेड कर दी है, जिसमें जैसे पहले सिलेंडर से थी, सिलेंडर खत्म हो जाए, वेंटिलेटर भी सिलेंडर से चल नहीं पाते हैं। इसलिए उस व्यवस्था को देखते हुए लॉकडाउन के होते हुए भी हमने किसी से रिक्वेस्ट करके जयपुर से सामान मंगाया, विद इन 3 डेज हमने बेड टू बेड बस 65 बेड हमारे पास हैं जिन पर इन इंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध रहेंगी। जो वेंटिलेटर सुविधा के लिए हमारे पास 11 वेंटिलेटर हैं, एनेस्थेटिस्ट हमारे पास 5 एनेस्थेटिस्ट हैं, पांचों वेंटिलेटर। मकराना शहर में कोरोना महामारी